हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स की क्लास है। अपना जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ डिमांड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, थंबनेल से भी आप समझ ही गए होंगे। लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करने वाले हैं, जो थ्योरी ऑफ डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जामिनेशन में शॉर्ट शॉर्ट अपनी गारंटी रहती है, जिसका आता ही आता है क्वेश्चन, तो वही टॉपिक है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है, मीनिंग डेफिनेशंस अजम्पशंस डायग्राम स्केड्यूल सब कुछ देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इनकेस इस चैनल पे नए हैं और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पसंद हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। थ्योरी ऑफ डिमांड की मीनिंग देखते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड होता क्या है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी व्हेन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो सिंपल सा मतलब यहां पर यह है कि लॉ ऑफ डिमांड दो कमोडिटीज या दो एक कंपोनेंट है जिनके बीच का रिलेशनशिप बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर क्या बोल रहा है, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। दैट मींस अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और प्राइसेस अगर घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। एज सिंपल एज दैट, बस यही बोलता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन बॉक्स में। प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड अपनी डिक्रीज होगी। दैट इज सिंपल रेफर्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। इसी को बोलते हैं कि प्राइस और डिमांड का दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। इसको नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं अपन, जहां पर एक बढ़ता है दूसरा घटता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है। अब आते हैं अपन अजम्पशंस की तरफ। अजम्पशंस को सेटेरस पेरिबस भी कहा जाता है, दैट मींस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। पिछले वीडियो में जहां अपन ने डिमांड फंक्शन पढ़े थे, मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, उनमें जितने भी कंपोनेंट थे सारे कंपोनेंट इस केस में लॉ ऑफ डिमांड में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें फ्लक्चुएशन या चेंजेस नहीं होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देख लेते हैं प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, अपन ने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स PR, यहां पर डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है। देर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, Y पढ़ा था इनकम, वो भी चेंज नहीं होती है। देर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, फर्दर एक्सपेक्टेशन पढ़ा था अपन ने, तो उसमें भी चेंजेस नहीं होता है। प्लस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो अपना PF है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में जो अपना टेस्ट है वो भी अपना कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें भी चेंजेस नहीं आते। तो सिंपल से तीन या चार अजम्पशन है जो कि अपन को याद करने। अच्छा, दूसरी बात, जब भी अपन को लॉ किसी भी चीज का लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ सप्लाई हो, लॉ ऑफ डिमांड हो, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है लॉ को डिफाइन करने का। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन या मीनिंग आता है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बोलते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन बॉक्स में जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो एडेड एडवांटेज है आपके लिए। फिर अजम्पशंस आपको लिखने ही होते हैं, जो कि लॉ के अजम्पशंस हैं आपको। फिर आता है अपना टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसको अपन टेबल या स्केड्यूल बोलते हैं, जिसको आप शेड्यूल भी बोलते हैं, तो वो अपना टेबल आ जाती है, वो अपन को शो करनी पड़ेगी। फिर अपन को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन शो करना पड़ता है, डायग्राम दिखाना पड़ता है, तब जाकर लॉ कंप्लीट होता है। आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख के आ जाएंगे या डायग्राम बना के आ जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो रहा है क्लियर? अब देख लेते हैं इसका टेबल या स्केड्यूल क्या कहता है अपन को लॉ ऑफ डिमांड का। दो कमोडिटी है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस रख रखी है और क्वांटिटी डिमांडेड रख रखी है। जैसे कि ये जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स है इसी के ऊपर बेस्ड है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यहां पर देखते हैं प्राइजेस अपनी डिक्रीज हो रही है 10, 8, 6, 4, 2 दिख रहा होगा आपको, राइट। क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रहता है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। दैट मींस ये अगर डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगी 2, 4, 6, 8, 10, सिंपल एज दैट। अपन ने जो फिगर लिए हैं, जो हमने वर्ड्स लिए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिए, वो भी बहुत ईजीली है, 10, 8, 6, 4, 2, और जस्ट अपोजिट अपन ने क्या लिखा है, इसका सीक्वेंस बदल दिया 2, 4, 6, 8, 10। दैट मींस वन साइडेड इज डिक्रीजिंग एंड अदर साइड इज इंक्रीजिंग, एज सिंपल एज दैट। इसी के बेसिस पे डायग्राम है। डायग्राम में क्वेश्चन आता है कि क्या सर डायग्राम स्केड्यूल बेस्ड बनाएं, दैट मींस प्राइस अगर यहां आती है, प्राइस अगर यहां आती है, क्वांटिटी यहां आती है, तो क्या क्वांटिटी जो यहां ले रखी है 2, 4, 6, 8, 10 और प्राइस यहां पर है 2, 4, 6, 8, 10, तो ऐसे लेना है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। हो सके
दोनों ऑप्शन है, दैट मींस अगर आप चाहें तो स्केल लेके बना सकते हैं, दैट मींस 2, 4, 6 एग्जैक्ट मेजरमेंट से बना सकते हैं इसका, या फिर रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, फ्री हैंड से बना सकते हैं जो कि यहां पर गिवन है। दोनों में इक्वल ही आपको मार्क्स मिलेगा, बस थोड़ा सा जो डायमेंशंस वगैरह होता है, जो आपको डिनोशंस वगैरह होता है, क्वांटिटी पी, जो भी सीक्वेंस के नाम है, डीडी डिमांड कर्व से डिनोट होता है, वो पूरा आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अगर फ्री हैंड से बना रहे हैं तो डिनोशन वाली चीजें सारी आपको लिखनी पड़ती है, राइट। देख लेते हैं डायग्राम में, सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनती है डिमांड कर्व की, जिसको डीडी नाम से बोला जाता है। इसमें देखते हैं प्राइस में, अपन देखेंगे तो प्राइस से ए में जा रहा है और ये क्यू डिनोट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो अपनी सिचुएशन है ये अपनी 6-6 वाली सिचुएशन हो सकती है, जहाँ प्राइस और डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डिमांड का हो गया, प्राइस का हो गया। अब देखेंगे तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, तो ये P1 हो गया, दैट मीन्स यहाँ से आगे इंक्रीज हो रही है। तो देखेंगे तो जैसी प्राइस इंक्रीज होती है, अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो रही है, इधर होता है इंक्रीज होना, इधर की तरफ पीछे की तरफ आती है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो वो डिक्रीज होना होता है। आई रिपीट, अगर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो वो होता है इंक्रीज होना, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रही है, पी से पी वन हो रही है, नीचे की तरफ पी से पी टू होना होता है डिक्रीज, क्वांटिटी के केस में आगे की तरफ बढ़ना राइटवर्ड शिफ्ट होना होता है इंक्रीज, बैकवर्ड शिफ्ट होना होता है डिक्रीज। तो इस वाले केसेस में पी से जब पी वन हो रहा है तो क्यू से क्यू वन क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जब प्राइस डिक्रीज हो रही है पी से पी टू, जब अपनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है क्यू से क्यू टू। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो ये था अपना सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसको फ्री हैंड से भी बना सकते हैं जैसे बोर्ड में गिवन है, एग्जैक्ट यही करना है आपको, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। क्लियर हो रहा है? तो स्केड्यूल के बेसिस पे भी बन सकता है, एग्जैक्ट यही डायग्राम बनेगा, नहीं तो फ्री हैंड भी बना सकते हैं। अजम्पशंस अपन को लिखने पड़ते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या अपना एक्सप्लेनेशन बॉक्स आपकी चॉइस, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मीनिंग लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना कंपलसरी है। आई होप आज का छोटा सा वीडियो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, या रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट होने के, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो पे वही होने वाला है, तो देखने मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।